अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी YouTube फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट पाट हैं। तो जनाब ये ना तकरीबन 4:45 हो रहे हैं इस टाइम, फजर की नमाज अजान हो चुकी भी है और मैंने सोचा कि दूध वगैरह, दूध ठंडा हो गया था तो मैंने आपको पता लास्ट व्लॉग में बताया था कि दूध आया था और हम लोगों ने कहीं जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि ख़त्म देना है और शीर वगैरह को थोड़ी सी बना लेती हूँ, बना के जाती हूँ, अभी ठंडी हो जाएगी और फिर ये है कि अगर किसी को देनी वगैरह भी है महल अपनी स्ट्रीट में तो वो भी दे दूँगी। ठीक है जी, तो बस ये बना रही हूँ मैं और इंशाल्लाह ताला इसको बस ठंडा होने के लिए रखेंगे, हो जाएगी ठंडी इंशाल्लाह। 7:30 बजे होनी है ईद की नमाज ना तो हमारे यहाँ पर, तो बस फिर जब ये आएंगे तो कुछ खाने के लिए होना भी चाहिए ना मीठा, तो मैंने सोचा कि मैं शीर बना लेती हूँ। ये मैंने लगाई है मेहंदी, ये प्यारी सी मेहंदी, मुझे ऐसी मेहंदी अच्छी लगती है, दोनों हाथों में मैंने लगाई है यूँ, ये मुझे इसी तरह पसंद है। तो बस ये मैंने लगाई, शुरू से ऐसी लगाई है, कभी भी मैंने डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाए हाथ पे, ये मुझे उंगलियाँ भरी हुई मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ईदी ली जा रही है और जी हमारे घर आई हमारी स्ट्रीट से जबरदस्ती मजे की चना चाट, और इतनी स्पेशल चना चाट थी ना कि हमने सोचा हम और कुछ नहीं खाएंगे, बस हमने ये खाई। और वैसे तो खीर वगैरह भी आई थी लेकिन अभी कुछ खाना नहीं था, हमने कहा था आगे जाकर खाएंगे। बस जनाब ये खाने के बाद अब हम लोग थे रेडी और अम्मी भी रेडी थी, बस अब चलते हैं और कहाँ जा रहे हैं वो बताऊंगी आपको मैं आगे जाकर। ठीक है जी चले जी, हम आ गए हैं भेरा और अब हम कुछ खाएंगे क्योंकि घर से हम कुछ खा के नहीं आए, काम शाम करके निकल आए हैं। और ये आपको दिखाती हूँ बाहर, बायकॉट चल रहा है, बायकॉट चल रहा है, सिर्फ सूफी खाओ। ओके 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 चले जी, हम जा रहे हैं सिंपली सूफी, मेरे बेटे ने मुझे बोला है। और जी यहाँ पर ना हर चीज क्लोज थी, वैसे ईद उल फितर पे ऐसा नहीं कभी हुआ कि कुछ बंद हो सब कुछ, बस एक आधी चीज़ खुली हुई थी, वो हमने बस थोड़ा बहुत ही कुछ खाया और उसके बाद हम दोबारा अपने सफ़र पे निकल पड़े। और ये जनाब हम लोग जा रहे हैं मरी, बीच का सफ़र तो जो है आपको लोगों को मैंने नहीं दिखाया, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं मरी और इतना ज़बरदस्त मौसम था, शदीद ठंड थी, बहुत शदीद ठंड थी और इस ठंड को हमने खूब इंजॉय किया, बहुत बहुत मज़ा आया। और जनाब ईद जो है ना वो हम लोग कम ही घर पे करते हैं, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है तो हम लोग जनाब निकल पड़ते हैं कहीं ना कहीं। हम लोग जा रहे हैं नथिया गली और ये देखो सना असफन यार, ये देखो ये वो जगह जहाँ हम सब ने वीडियो बनाई थी, पिक्चर्स बनाई थी, याद ताज़ा हो गई हमारी। सुरेश थोड़े से इधर रुके खड़े हो, यहाँ पे आज हम यहाँ रुके हैं दोबारा से कि हमारे बच्चे यहाँ पे, हमने उनके साथ बड़ी वीडियोस बनाई थी, पिक्चर्स यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों ने पिक्चर बनवाई थी, मेरे दोनों बेटों ने एक साथ खड़े होके, यहाँ पे मैंने और सना ने बनवाई थी। और जी आपको पता ही है रास्ते में ये जहाँ पे छलियाँ वगैरह मिलती हैं जो लोग जाते हैं मरी उन्हें पता है जहाँ पे मॉन्कीज़ बहुत होते हैं, तो हमने सोचा कि बाहर निकल के ना इनके लिए छलियाँ वगैरह लेंगे और इनको देंगे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी कोई 15-20 बल्कि ज़्यादा मॉन्की आए और हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए सारे के सारे, यकीन करें कि निकलने नहीं दिया इन्होंने हमें, ये तो ऐसे ऐसे चौकीदारी करने लगे, निकलो तो सही हम तुम्हें बताएंगे। खैर मेरे हस्बैंड सामने खड़े हुए थे, वो छलियाँ वगैरह हम सबके लिए बनवा रहे थे और मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मुझे छलियाँ ले दें इनको हम दें। खैर इनको छलियाँ दी और ये आप यकीन करें कि इन्होंने वो यानी इतना इंजॉय करते हैं ये छलियाँ खा के, मैं अफसोस मुझे ये हुआ, मैंने सोचा कि मैं काश के ना हम लोग, दिमाग से निकल गया कि कोई बिस्किट वगैरह या कुछ बनाना वगैरह भी शौक से खाते हैं तो वो ही इनके लिए लेते चलते। ये देखें जनाब ये चेक करें, ये ऊपर सारे हमारी छत पे बैठे हुए और दर 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 की आवाजें आ रही थी सारी हमारी ना छत के ऊपर से, लेकिन डर बहुत लग रहा था इनसे। ये मॉन्कीज़ ने ना हमने छलियां ली हैं इनके लिए, ये दिखाओ जरा जो अर्शद, हमें डर लग रहा है, आप अगर के अंदर ले आओ, भाई बहुत खौफ आ रहा है, छलांगे मार रही है हमारी गाड़ी के ऊपर। अच्छा अच्छा एक मुन्ना चाट मंकी है, अंदर घुसा रहा उसने,
आइए छोटे मुन्ने को देखो, ये लो जी पकड़ो 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 छल्ली। बाबा देखा है जी, इतना निमन कितना खूबसूरत व्यू हमारे मुल्क का, खूबसूरत लंबे लंबे बड़े बड़े से पहाड़ ये देखें जी। हाँ ये देख, और यहाँ पे बर्फ भी है भाई, ग्लेशियर भी है। अभी तक हम पहुँच चुके हैं नथिया गली और यहाँ पे हो रही है जनाब टिका के बारिश हुई है। पहले हम गाड़ी में बैठे रहे हैं लेकिन अब निकल आए हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चलते हैं अब हम होटल में। और जी यहाँ पे नथिया गली में ना बड़े मज़े का पटाखा चिकन मिलता है, वो हम लोग खाने लगे थे और ये जनाब स्पेशल आए थे इधर इसलिए खाने। हमने कहा कि नहीं भाई, लास्ट टाइम मेरा बेटा आया था तो उसका पेट फुल था, उसने खाया नहीं था ये, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा भाई मैंने तो वहाँ जाना है और दोबारा से खाना है तो अपने बेटे के हिस्से का। असल में बात क्या थी कि अपने बच्चे बड़े मुझे याद आ रहे थे और जिनके बच्चे बाहर हैं वो समझते होंगे पेरेंट्स को कैसा लगता है। खाना शाना खाने के बाद हम लोग आ गए अपने रूम में और जो हमारे रूम थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त थे इनके रूम ना। ये होटल है ताज, ग्रैंड ताज ना, बहुत ज़बरदस्त इनके रूम है। सबसे बड़ी अच्छी बात जो है ये है कि इनके इनकी जितने भी है ना बिस्तर वगैरह बहुत अच्छे हैं। मेरी आदत है कि जब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, कहीं पर भी, मैं अपना कम्बल बिस्तर चादर वगैरह लेके जाती हूँ, लेकिन मैं इस बार भी लेकर आई लेकिन इतनी नीट थी ना हर चीज़ की, वो ओपन ही नहीं की मैंने, यकीन करें हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी सी थी हर चीज़। असल में किसी रूम में अगर आप ठहरते हैं होटल के तो वो अगर उसमें फैसिलिटीज़ होना तो इंसान जो है ना बड़ा पुरसकून हो जाता है और अच्छे साफ़ सुथरी हर चीज़ हो, सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है। जय नमाज पड़ी हुई थी और इनकी जो टाइल्स थी वो बहुत नीट थी और मुझे ना वो रूम बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जिनमें कालीन वगैरह बिछे हुए हों, क्योंकि वो बड़ी इरिटेशन होती है मुझे उनसे ना, डस्ट वगैरह से। तो ये बिल्कुल इतने साफ सुथरे इनकी टाइल्स थी ना, बहुत अच्छी, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे रुक के हमें ना। फिलहाल जनाब बहुत थके हुए थे और अब तो बस दिल कर रहा था कि बिस्तर हो और सो जाएं और यही मैंने किया, बस ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाई और उसके बाद बस सोने की। और जनाब यहाँ के जो है ना बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत था, बहुत ही मज़ा आया मुझे, और सुबह जब मैं बनाऊँगी वीडियो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अब चलते हैं। और जनाब मेरी वॉइस ओवर में अगर थोड़ा सा शोर हो तो उसे आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि जनाब मैंने वॉइस ओवर सुबह उठ के की थी, ठीक है जी। ये मैं हूँ और ये है हमारा रूम। तो बस ये थी मेरी आज तक की वीडियो, मुझे इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देख लें जी आप, नीट और क्लीन साफ़ सुथरा सा रूम, जिस जो आना चाहता है यहाँ पर लाजमी आए, मेरी तरफ से तो जनाब रिकमेंडेड है। तो चलें जी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।